गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और मंडे को जो है हम आपको दिख रहे हैं कहाँ पे। हम हैं इस समय जयपुर और दिल्ली के हाईवे के बीचों बीच में। आधा रास्ता पार कर लिया हमने। स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग एट 5 बजे के आसपास सवेरे निकले थे हम लोग, और अब जो है हम पहुँच जाएंगे जयपुर आई थिंक 2-3 घंटे में। तो अभी ज़रा रुके थे हम लोग कहीं पर, ज़रा पानी वानी पी लें। तो पानी अब आगे जैसे एक कप चाय मारते, फिर नाश्ता होगा सवेरे 8 बजे, 8:30 बजे, अभी तो बजे 7। 2 घंटे में हमने इतना ही कवर किया है। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। ये देखिए हाईवे है ये पूरा, है ना। अब जरा चाय पी लेते पहले, आधा एक कप चाय मारते हैं और फिर आगे। क्यों अभी सिंह, एक कप चाय पी लेते, एक कप चाय पी लेते फिर आगे चलते, राइट। तो जी 7:17 और हम रुक गए हैं एक ढाबे पर चाय के लिए। इनको हमने बोला एक चाय बना दो, तो ये एक चाय बना रहे दे रहे हैं हमको फीकी वाली। और बेबी सिंह सामने वो कार में बैठी है हमारी, कार के अंदर बैठी है। आपको देखो छिप गई, दिख नहीं रही आपको। तो हमने कहा एक चाय पी करके अभी 7:15 बजे और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग कहीं और आगे रुकेंगे 8:30 बजे। तो ये बन रहा है हमारा चाय। तो जी ये हो गई हमारी एक एक कप चाय यहाँ पर। अब हम बज रहे हैं, टाइम कितना है, टाइम कितना है, चाबी है गाड़ी की, टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 7:20। अब यहाँ से निकलते हैं हम, रुकेंगे 1 घंटे के बाद और हम लोग करेंगे कुछ नहीं, खाली वहाँ पे करेंगे नाश्ता, हैं परोठे वोठे खाएंगे कुछ। निकालें गाड़ी, बढ़ाएं क्या जी, बढ़ाएं। अरे हमारे 7:24, 8:50 किंग हाईवे लिखा है। ये कौन सा वाला किंग हाईवे पे, इधर से आए क्या, देखो। अब हम लोग पहुंच गए हैं 8:50 पे और ये इतनी दूर देखते चले आ रहे हैं किंग ढाबा, किंग ढाबा, किंग ढाबा, चूक न जाना खाना खाना। असल ये तो बंद पड़ा है, तो हमें ये तो बंद पड़ा हुआ है। कह रहा किंग ढाबा वेलकम, चूक न जाना, क्या चूक न जाना, इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे और ये ढाबा बंद पड़ा हुआ है। वेलकम चूक न जाना, अब पता नहीं उस तरफ है क्या, है भाई उस तरफ है क्या, उस तरफ जरा हमने उल्लू बना दिया इसने। चलो यार यहीं कहीं खा लेते हैं कुछ, इसमें जो मिल जाए यहाँ पे खा लेते हैं। यहाँ के चूरण है, कंडी है, पापड़ है, ये सब क्या खाएंगे भाई, चूरण कंडी पापड़ कौन खाएगा है यहाँ पे, ये सब बन रहा। देखो बड़ा छुपा के रखा है उन्होंने भी, इस ढाबा ओके। चलो देखो ये वाला ढाबा है क्या, उर्मू से रेस्टोरेंट यही होगा यार। लो जी हमारा मेन्यू शेनू आ गया यहाँ पे, बताओ भाई क्या खाना है, जो खाना है बताओ। वॉन्ट हैव साउथ इंडियन एंड यू हैव दिस पराठा, पराठा ऑल्सो ऑन दिस साइड। ऑर्डर हो गया आपका मिक्स पराठा, क्या जी आपका ऑर्डर क्या हुआ, मिक्स पराठा ठीक है, अरे हुआ आपका मिक्स पराठा ऑर्डर हो गया। वन मिक्स पराठा हैज बीन ऑर्डर्ड एंड बाकी विल सी व्हाट वी हैव टू ईट। तो जी आ गया हमारा पराठा, हमने खा रही है बेगम साहिबा हमारी, ये पराठा तोड़ रही हैं फिर मक्खन और हम अपना ख़त्म कर चुके हैं। सो अब लेट अस सी, हाँ जी व्हाट वी वांट टू हैव नेक्स्ट, अगर कुछ खाना है तो बताओ, वी कैन मूव फ्रॉम हियर। तो जी काम हमारा हो गया, अब हमने खाना वाना खा लिया यहाँ पे, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। अब हम यहाँ से निकलते हैं इस ढाबे से, सो वी मूव आउट फ्रॉम हियर राइट। तो जी हम आ गए हैं होटल के अंदर, होटल है क्या नाम है, अमित क्लास अमित, होटल इज क्लास अमित। यहाँ पर 4 शादियाँ हैं जिसमें से 2 लोग शादी वाले जा रहे हैं और 2 शादी वाले एंट्री कर रहे हैं। तो कमरे जो है वो इस पोजिशन में है कि जल्दी निकलो, जल्दी खाली करो, जल्दी एंट्री करो, ऐसा चक्कर चल रहा है। सो द रूम विच वी हैव बीन अलॉटेड इज स्टिल अंडर प्रिपरेशन, बर्थडे की अभी रखी ऑलरेडी, तो हम बाहर वेट कर रहे हैं, इसलिए दिखाते हैं आपको 606 की हिम्मत। तो जी जो रूम हमको दिया गया है वो भी अंडर प्रिपरेशन है, गेस्ट छोड़ के चलेंगे। देखिए 606, गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो
फाइनली रूम अलॉट हो गया है और रूम अब वो भी हो गया, साफ सफाई भी हो गई रूम की, उन्होंने कर दी है हमको और दे दिया। इट टुक मी सम 15-20 मिनट्स लग गए, कोई बात नहीं, इतना सारा रश है शादी में तो हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, राइट बेबी सिंह, क्या बोलते हो? तेरा तो डेकोर में मैच कर रहा हूँ कमरे के साथ में, तेरा सूट का देख, सूट इज मैचिंग विद द सूट। तो जी हम इनके हॉल में आ गए जिसमें कि मेहंदी चल रही है, मेहंदी और क्या है, मेहंदी और हल्दी वाला प्रोग्राम चल रहा है इनका, और वो हमारा बच्चा बैठा हुआ विदित, ये देखिए अभी इसको देखा था लाल में आधे घंटा पहले, अब ये पीला, ऐसे तो ढूंढ चुका है इसको मैं आधे आधे घंटे में चेंज, तो फिर तो भैया मिलेगा नहीं ये लड़का, ये हमको, ये लड़के का बड़ा भाई है। चल मिला भाभी से, मिला मम्मी में, चलिए जाएंगे तो भैया मैं देख लोता है। नमस्कार भाभी, हम तो कब से आए हुए, हम तो आपको ढूंढ रहे थे, हाँ बिल्कुल, हम तो देखिए आपको चालू हो गए इसीलिए, सॉरी सॉरी तो चालू हो गए। आप बोलते हो नहीं बोलते हमें नहीं पता, आज आपको बोलना ही पड़ेगा, आज से कल तक आप ही का फंक्शन है, आपको बोलना ही पड़ेगा। हमें बहुत बताया गया था कि बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हमने भी कहा था कि हम जरूर बोलवाएंगे, जवाब दीजिए क्यों है शादी में तो आपका ऐसी याद हो जो शेयर करना चाहते हो आज का दिन? जोरदार तालियां बजा दीजिए, आवे बजावे तालियां। बहुत बड़ी बात है, नई शुरुआत होने जा रही है एक लड़की के लिए जो अपने माँ बाप के घर में पैदा होने से लेकर इतने बड़े होने तक रहती है, और एक नई शुरुआत होने जा रही है विदित जी के साथ, तो जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए, उसके बाद हम लोग हल्दी का फंक्शन स्टार्ट करते हैं, तो मैं हटूंगी नहीं आपसे, मैं खड़ी रहूंगी, मुझे हटाने के लिए देखिए क्या मूडिंग हो रही है। ये देखिए ये इधर लड़की की माता जी हैं, प्रिय माता जी, और इधर में उनकी मित्र हैं, और इधर में उनकी दूसरी मित्र हैं, ये लड़के की माता जी, सॉरी लड़के की माता जी, ये लड़के की माता जी, गलती हो गई भाई, ओ आपका ले पहचान नहीं रहे आप यार, ओ माई गॉड पहचान में नहीं आ रहे आप, अच्छा मिले नहीं आपसे कभी, हाँ अरे सरदारों का दिमाग ऐसे ही होता है, और भाई साहब पहचान में नहीं आ रहे हम तो, दर्शन करके पूल के हम लोग बाहर चले जा रहे हैं वापस, ये जैन साहब को प्रूफ देना है, जैन साहब को प्रूफ देना है कि भैया हम लोगों ने सब खाना खाया है, नहीं यही तो देना है, ये देना है, देखिए ये बता रहे हैं अपना प्लेट दिखा के कि हमने बहुत कम खाया है,
ये पता नहीं है कि ये सेकंड और थर्ड सर्विंग है इनकी। शाम के बज रहे हैं 4 और हमको आदेश हुआ है वर के पिता और माता की तरफ से कि अब आप जल्दी से नीचे आ जाइए क्योंकि अब जो है वर निकासी होने वाली। क्या बोलते हैं वर निकासी, तो वर निकासी के लिए आप लोग जल्दी आइए, बारात निकलने वाली तो हम लोग जल्दी पहुंचे। तो हमने पूछा सब बाकी लोगों को कहाँ हुआ, वो सब पहले नीचे पहुंचे हुए, अब हमको टाइम लगे थोड़ा सा, चलो हम पहुंचते भाग भाग के। इनको कहते हैं श्री आर के शर्मा जी, ये पहचान में नहीं आ रहे हैं, हमसे कहने लगे खान साहब की पगड़ी आपकी बनवानी, हमने कहा हमारी तो हम ही बांधते हैं। हमें पहचान में कोई नहीं आ रहा इस समय, हमें कोई पहचान में नहीं आ रहा भाई साहब, हम ही आ रहे हैं बस। इनको फोन आया, आपको पगड़ी बनाया था इसके ऊपर। अरे भाई साहब इनका फोन आया, मैंने कहा कहाँ हुआ, मैंने ऊपर अरे नीचे वो पगड़ी तो बनवा लो, फिर याद आया ये तो पगड़ी बोले। हमने कहा हमारी तो हम ही बांधते हैं। ये देखिए मैंने तो ऊपर तो बुलाया, नीचे आ जाओ जल्दी, पगड़ी वाली नहीं बांधेंगे। साफ साफ इकट्ठा कर दिया हमको, हां अब मजा आ रहा है। अरे महाराजा साहब कैसे, सुनाइए आपकी गाड़ी कैसी चल रही है? क्या मजेदार है। अरे वाह, बैठ के तो आनंद ही आनंद है। ये है महाराजा साहब की गाड़ी, बहुत खूब बहुत खूब। कैसे लग रहे हैं आप? गाड़ी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया एकदम। हाँ ये वो कन्वर्टेड है। बहुत ओल्ड, इसको बोलते हैं एंटी पैकेज, इसका मजा ही अलग है। देखिए अलग है, क्या बात है, शादी हो तो ऐसी हो। असली दूल्हा दुल्हन तो यही है, असली दूल्हा दुल्हन तो यही है। थोड़ी सी दांत निकालेंगे, अच्छे लगेंगे ये।